उस दिन पहला ही दिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आ गई थी। उसी फिर मेरी पेन रुकी नहीं, क्योंकि मेडिकेशन लैन के बावजूद भी इंजेक्शन मिलते मेरी पेन रुकी नहीं सी। फिर उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगाया कि प्रॉब्लम मेरे बच्चे थोड़ी कितने सोजिश लगती है, तो उन्होंने सानू रातों रात कह दिया भी तुम रिस्क ना लो, तो डॉक्टर साहब डॉक्टर जसवीर सिंह जी को जाके कंसल्ट करो, तो उन्होंने भी गाइडेंस लो। और से देखते अनुसार डॉक्टर साहब डॉक्टर जसवीर सिंह जी ने सानू फिर ऑपरेट बारे सानू सुजैसट किया। थोड़ी बहुत देखो दर्द तो कोई भी ऑपरेट हों होंगी, पर ये बिल्कुल ना मात्र दर्द जी होंगी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਉੱਠੀ ਸੀ। उस कारण मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे ये जड़ी पेन हो रही है किस चीज़ की है। तो सा नियर बाय जो नेबर डॉक्टर है उन्होंने चेक करवाया, उन्होंने ये कहा भी थोड़ी गॉल ब्लैडर स्टोन की सानू प्रॉब्लम लगती है, ये भी तुम चेक करवाना चाहिए है। असी फिर मेरी पेन रुकी नहीं, क्योंकि मेडिकेशन लैन के बावजूद भी इंजैक्शन मिलते मेरी पेन रुकी नहीं सी। फिर उन्होंने थोड़ा अंदाजा लगाया कि प्रॉब्लम मेरे बच्चे थोड़ी पित्ते सोजिश लगती है, तो उन्होंने सानू रातों रात कह दिया भी तुम रिस्क ना लो, तो डॉक्टर साहब डॉक्टर जसवीर सिंह जी को जाके कंसल्ट करो, तो उन्होंने भी गाइडेंस लो। तो अभी फिर नैक्सट मॉर्निंग असी डॉक्टर साहब को आए, उन्होंने गलबात की, उन्होंने फिर अपने जो इन्वेस्टिगेशन या उन्होंने डायग्नोस करना सी अपनी रिपोर्ट्स थ्रू उन्होंने सारा डायग्नोस किया, और उन्होंने गल ठीक निकली। जो सा नेबर डॉक्टर से पित्ते पत्थरी का साढ़े सी सोजिश भी सी, सोजिश होने कारण मतलब तकलीफ जी मेरी मतलब बर्दाश्त तो बहर सी। तो उस कारण फिर जो रिपोर्ट से वो देखते अनुसार डॉक्टर साहब डॉक्टर जसवीर सिंह जी ने सानू फिर ऑपरेट बारे सानू सुजैसट किया, जल्दी जल्दी करवाना चाहिए है। दो ऑपरेट उन्होंने दसे से, एक नॉर्मल लैप्रोस्कोपिक भी जनरल जी पहल चल रही थी, तो एक इन्होंने को नवी टेक्नोलॉजी लैप्रोस्कोपी सर्जरी जी इन्होंने सानू रिकमेंड किया मिनी लैप्रोस्कोपी का। डॉक्टर साहब ने सानू मिनी लैप्रोस्कोपी बारे दसिया, तो बोथ सर्जरीज के बिटवीन जो डिफरेंस है उन्होंने सानू दोनों के फायदे नुकसान दसे। फिर जो सानू ठीक लग्या वो सानू मिनी लैप्रोस्कोपी का ही जो डिसीजन लेना ठीक लगे, क्योंकि वो जिमें कि डॉक्टर साहब ने दसिया कि एक तो वो स्कारलैस हैगी पेनलैस हैगी, जो रिकवरी रेट्स है बहुत अच्छे है, तो उन्होंने गल 100% सही निकली। कि नॉर्मली डॉक्टर्स का होंगे है कि नॉर्मली हॉस्पिटल जाने भी कई बार मिसकम्यूनीकेशन होने कारण कुछ डिफरेंस हो जाता कहन तो करन का, पर इन्हों का जो इन्होंने कहा उस मुताबिक इन्हों का जोड़ा ट्रीटमेंट से उस मुताबिक ही सी। मैनू 1% भी कोई मन दे विच ओह नहीं रहा कि भी मैं कोई गलत जगह ते आ, मतलब मेरा कोई डिले पै रहा, डिस्चार्ज विच डिले पै रहा, किसी भी प्रकार का मैनू कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। जदों मेरा ऑपरेट होया, ऑपरेट होने तो मैं तुरंत 2 घंटे बाद ही मैनू जिहड़ी फीडिंग शुरू हो गई सी, मेरी लिक्विड फीड मैनू करन लग पए सी, कोकोनट वाटर या थोड़ी बहुत चाह वगैरह। तो थोड़ी बहुत देखो दर्द तो कोई भी ऑपरेट हुंदा हुंदी है, पर इहदे विच बिल्कुल ना मात्र दर्द जी होंगी है, वह तो देखो हर एक ऑपरेट के होंगी है, बट कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तुम तकलीफ में हो या मतलब इदा का कुछ मैनू नहीं लग्या। उस तो बाद ही मतलब एक जिस दिन ऑपरेट होया उस दिन ही मैं मतलब हॉस्पिटल रहा। नैक्सट डे मॉर्निंग मतलब 12 बजे तो पहला मैं हॉस्पिटल के गेट पर सगा सारा मतलब डिस्चार्ज स्लिप्स वगैरह जो उसी नोट यूज क्लीयर करके मतलब मैं अपने घर जाके अपने बच्चों के अपने घर के अपना बाकी दो जिमें डॉक्टर साहब ने जो परहेज कहे से दसे से उन्होंने करना उन्होंने मुताबिक मैं अपने जोड़े उस तो बाद 2-3 दिन बाद ऑपरेट तो आज आया अपनी
ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਟਾਫ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪੀਲਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ